नमस्कार, मैं खुश और आप देख रहे हैं खबरदार। मोदी बोले, कांग्रेस ने वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा। इंदौर के युवक से किया संवाद, कहा नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है। पीएम मोदी ने आज पीएम सूरत राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश भर के 525 जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों की रित सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में कभी वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान बने। इंदौर में भी पीएम सूरज पोर्टल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने यहां नरेंद्र से नाम के हितग्राही से वर्चुअली संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक शामिल हुए। वहीं धार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसा गरीबों के खाते में पहुंच जाए, लेकिन ये मोदी की सरकार है। गरीब के हक का पैसा सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचता है। मुझे विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो मुझे आपकी ही याद आती है। मेरे पास आए सबके रूप में देशवासियों का परिवार है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था। उनके परिवार ही नहीं थे इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।